पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार दोनों एक साथ हो गए हैं। जो कल तक दिन भर खूब आकर के लाइव गाली देते थे, जब भी लाइव आते थे तो दोनों एक दूसरे के ऊपर खूब कटाक्ष करते थे। जब इन लोग के लिए दूसरे जाति के लोग लड़ते थे, खेसारी लाल यादव के लिए पूरे अहिर कम्युनिटी के लोग लड़ते थे, पवन सिंह के लिए पूरे राजपूत समाज के लोग लड़ते थे, तो आखिर ऐसा क्या वजह हो गया कि ये दोनों एक साथ हो गए? ये दोनों एक साथ हो गए, इससे किसी को दिक्कत नहीं है। सब कोई चाहता है कि ये दोनों एक साथ रहे, लड़ाई ना करें। लेकिन दिक्कत इस बात का है कि ये दोनों जब वहाँ पे माइक पर, जब ये दोनों जब मंच पर खड़ा होते हैं, तो ये साफ तौर पर कहते हैं कि हम लोग के बीच में तो कभी झगड़ा रहा ही नहीं है। अब जरा समझिए कि जो आदमी शुरू से ये बात कहता था कि भोजपुरी का तो सब कुछ हम ही हैं, हम ही लकीर खींचे हैं, हम ही सब कुछ किए हैं, भोजपुरी के सलमान खान तो हम ही हैं, और एक आदमी शुरू से कहता है कि ट्रेंडिंग स्टार तो हम ही हैं, हमारे ही पास तो सबसे ज़्यादा यूट्यूबर है, एक आदमी कहता है कि सबसे ज़्यादा व्यूज़ तो हम ही दिए हैं, एक आदमी कहता है कि सबसे ज़्यादा 100 मिलियन व्यूज़ हमारा ही वीडियो पर आता है, और सबसे ज़्यादा यूट्यूब के चार्ट लिस्ट में हमारा ही वीडियो रहता है, तो आखिर में ये जनता को ये लोग मूर्ख क्यों समझ रहे थे? इतना दिन से जब कुछ हो रहा था, हाल ही में आपने देखा होगा कि महेश पांडे नाम के एक यूट्यूबर थे जो खेसारी के सपोर्ट में वीडियो बनाते थे, तो उनके लिए जो पवन सिंह के विशाल सिंह हैं और पवन सिंह के अन्य जो लोग हैं जो उनके टीम में रहते हैं, ये सारे लोग इनके बारे में कह रहे थे, इनको यहां तक कपड़ा उतरवा करके पीटे भी है, मारे भी है, और वो हॉस्पिटलाइज हो गए थे, जहर भी खा लिए थे। ये सब कुछ हो रहा था, खेसारी लाल यादव आकर के कह रहे हैं कि इस तरह से ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, और आज ये दोनों मिल रहे हैं। क्या आप लोगों को क्या लगता है ये क्यों मिल रहे हैं? कहा तो ये जा रहा है कि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव दोनों अब राजनीति में आना चाहते हैं, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आप लोग क्या समझते हैं? क्योंकि ये जब से हो रहा है, इसके पीछे जो भी कहा जाए ये षड्यंत्र होता है। क्योंकि इससे पहले जब अक्षरा सिंह इंटरव्यू दे रही थी तो वो कही थी कि खेसारी और पवन दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं, ये दोनों जब एक रूम में घुसते हैं तो एक साथ खैनी बना करके खा लेते हैं, और ये दोनों जब भी मिलते हैं तो खूब हंसते खिलते मिलते हैं, लेकिन जनता को ये लोग मूर्ख बनाते हैं, उसके अलावा ये लोग कुछ नहीं करते हैं। ये लोग क्यों करते हैं इसको हम आज बताएंगे। ये लोग बस इसलिए करते हैं क्योंकि इनका गाना चलते रहे। ये लोग चाहते हैं, ये लोग जानते हैं कि जो जनता होती है वो मूर्ख होती है, जनता को जो कुछ भी कहेंगे उससे हमको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। जनता ये जानना चाहती है कि दोनों में बड़ा कौन है, ये जो दो उंगली आपको दिख रहा है, ये दो उंगली में सबसे इम्पोर्टेंट कौन है, खेसारी है या पवन है, ये जानते हैं, इसलिए ये लोग लड़वाने का काम करते हैं। लेकिन एक बात और है कि अगर इस तरह से करते रहेंगे तो जो गाना चोरी करते हैं, जो इन लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि जो नए कलाकार आते हैं उन लोगों को ये लोग आगे नहीं बढ़ने देते हैं, लगातार ये लोग गाना चोरी करते रहते हैं, चाहे खेसारी हो या पवन हो, तो जो छोटे कलाकार हैं उन लोगों को एकजुट होना चाहिए और ऐसे लोगों का विरोध करना चाहिए जो भरी मंच पे आकर के कहते हैं कि हम दोनों में लड़ाई नहीं रहा है, हम लोग कभी लड़े नहीं, हम लोगों में केवल मिठास ही मिठास है। जब मिठास ही था तो वो लकीर वाली बात कहाँ से आ गई, वो ढेला मारने वाले बात में खेसारी कैसे उसमें टोन मार दिए, वो जब पवन सिंह के ऊपर ढेला लगा तो कैसे खेसारी टोन माने, और जब खेसारी को ढेला लगा तो ये पवन सिंह कैसे टोन मार दिए, और सबसे बड़ा बात उन यूट्यूबरों का क्या होगा जो दिन भर खेसारी करते थे और जो दिन भर पवन सिंह करते थे, अब वो लोग कैसे इन लोगों में लड़वाने की कोशिश करेंगे? क्योंकि अभी बहुत सारे लोग ये पोस्ट लिख रहे हैं कि ये लोग के मिलने से बहुत पत्रकारों को दिक्कत है, तो दिक्कत तो सही बात है उन लोगों को होगा ही जो लोग दिन भर खेसारी के पक्ष में रहते थे, दिन भर पवन सिंह के पक्ष में रहते थे, उसके अलावा तो उन लोगों के पास में खबर था ही नहीं, अब कैसे उन लोगों का घर द्वार चलेगा, ये सब कुछ आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बाकी मेरा नाम केशव यादव है, पब्लिक स्टेशन आप देख रहे हैं।